हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज है 23rd of September और अभी बज रहे हैं 1 और मुझे ना मार्केट के लिए निकलना है। मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ और शॉपिंग में मुझे क्या लेना है, मुझे अभी तविशी का रूम का जैसे मैं मेकओवर कर रही हूँ तो उसके लिए सामान लेना है। कोई मैं बहुत दूर मार्केट में नहीं जा रही हूँ, मेरे घर के पास ही मतलब एक चेरी काउंटी सोसाइटी है, जो लोग ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहते हैं ना उनको पता होगा, तो उसी में ना अग्रवाल हैंडलूम्स करके एक शॉप है, वहाँ से मैं सामान ले आऊँगी। सामान बहुत अच्छा होता है, वैरायटी काफ़ी होती है, लेकिन हाँ ये नहीं है कि वहाँ पे सस्ता मिलता है सामान, वो थोड़ा सा कॉस्टली रखते हैं, शायद इसलिए क्योंकि इस एरिया में ना ये एक ही हैंडलूम वाली शॉप है जहाँ से आपको ये सब सामान मिलता है। लेकिन मैं कहीं दूर जा नहीं सकती हूँ क्योंकि अकेले है, अभी मेरे साथ शिखा भी नहीं पॉसिबल है कि वो मेरे साथ जा सके क्योंकि उसका भी जॉब वाला चल रहा है मामला, और विवेक की छुट्टी नहीं है, विवेक अपना काम कर रहे हैं, तविशी पढ़ाई कर रही है, तो फिर मैंने सोचा कि पास ही जाकर जितना मुझे सामान लेकर आना है वो मैं ले आऊँगी, और जो मैं लेकर आऊँगी वो मैं आपको दिखाऊँगी। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वहाँ का वीडियो भी बनाऊँगी जितना भी हो सकेगा उस शॉप का, आप भी देख सकते हैं। अगर आप भी वहाँ से शॉपिंग करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, आप कर लीजिएगा। लेकिन जो भी मैं कुछ खरीदूंगी, मैं सोच रही हूँ इस बार क्या करना है कि जैसा भी मैं मेकओवर कर रही होंगी ना, वैसा स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ दिखाती रहूँगी ताकि आपको भी ना हर चीज़ डिटेल में पता रहे। नहीं लगने वाला, पास में वो मार्केट है जो वो शॉप है और वहाँ से मैं 1 घंटे के अंदर अंदर सामान ले आऊँगी, उसके बाद फिर मुझे कुकिंग भी करनी है। चलिए फिर चलते हैं, आप भी चलेंगे ना मेरे साथ, चलिए फिर। तो ये है वो हैंडलूम शॉप, अग्रवाल हैंडलूम शॉप, जो कि चेरी काउंटी में है। काफ़ी वैरायटी है इनके पास, ये सभी बेडशीट्स वगैरह आपको जिस तरीके की बेडशीट चाहिए, जिस साइज़ की चाहिए, किंग साइज़, क्वीन साइज़, सिंगल बेड वगैरह की सभी हैं। और ये कोई कोलैबोरेशन वीडियो नहीं है, बस मैं जस्ट आइडिया देने के लिए बता रही हूँ कि जो लोग ग्रेटर नोएडा में रहते हैं वो आ सकते हैं। पर्दे वगैरह जैसे इनके पास है, कर्टेंस वगैरह बहुत कलरफुल, बहुत वैरायटी थी, आप जो चाहो जिस कलर का आप चाहो उस हिसाब से आपको मैच करके आपको दिखा देंगे, बना देंगे, इसी हिसाब से आप बेडशीट ले सकते हैं। कुशन फिलर्स, कुशन कवर्स, मैट्रेस वगैरह, मतलब जो हैंडलूम शॉप में हर चीज़ जो होनी चाहिए ना वो यहाँ पर है, और मैं जैसे सोच के गई थी उस हिसाब से मुझे सामान मिल भी गया। देखिए शॉपिंग तो हो गई, आज ना मैं बिल्कुल अलग कमरे में बैठी हूँ, मैं मंदिर वाले रूम में बैठी हूँ और यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ, इसमें मैं कमी बैठती हूँ, और लेकिन मुझे आज अच्छा लगा क्योंकि ये रूम भी ना स्पेशियस सा हो गया, यहाँ बेड बड़ा था ना अब यहाँ पे छोटा बेड हो गया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठना, एकदम मतलब खुला खुला सा लग रहा है, एकदम खुला खुला सा जो होता है ना कमरे में मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं बजाय कि भीड़ भाड़ वाले से। सामान तो मैं ले आई हूँ तविशी का, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, और मेरी थीम भी आपको पता चल जाएगी कि मैं किस थीम से उसका जो रूम है वो डेकोरेट करने वाली हूँ। अब मैं आपको शॉपिंग दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या परचेज किया है। तो पहले तो यही वाला बैग है, इतना बड़ा सा, ये देख लीजिए, इसी की चीज़ें दिखा देती हूँ आपको। तो ये लिया है मैंने, वही अग्रवाल जो शॉप है वहीं से ही, ये तविशी के रूम के लिए मैंने लिया है, मतलब बाथरूम के सामने डालने के लिए, ये इस कलर का डोरमेट, पहले दूसरे कलर का था पिंक कलर का, अब वो मैंने हटा दिया है और ये वाला लिया। अब पता चल गया ये होगी आपको कि मेरे रूम की, तविशी के रूम की मतलब क्या थीम होने वाली है। तो ये उसी की मैचिंग का ही है जो मेरी थीम है, ये वाला डोरमेट अच्छा है, ये एंटी स्लिप है, इसी तरीके का कोई लेना चाहिए क्योंकि बच्चों के पैर वगैरह ना उसमें अटक ना जाए, बच्चे स्लिप ना हो जाए, एंटी स्लिप लेना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ना ये कुशन कवर्स लिए हैं, पिंक वेलवेट है वाला है ये, और मशीन वॉश हो सकता है, ये है ठीक है, और एक फिर ये लिया है, और भी थे उसमें बहुत सारे डिजाइन वाले जिनमें मोती वगैरह और ग्लिटर वगैरह लगा रहता है, लेकिन मैं कंफर्टेबल जो चीज़ है उसकी साइड जाना चाहती थी इसीलिए फिर मैंने ये लिया। मैंने कहा नहीं, मैं कोई ऐसी सजावटी चीज़ के पीछे ज़्यादा नहीं भागूंगी, ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि बच्चा कंफर्टेबल फील करे। हालांकि मुझे ज़्यादा कुशन वगैरह बेड पर रखने पसंद नहीं, लेकिन तविशी को पसंद है तो उसके लिए मैंने ये लिया है, अदरवाइज मैं अपने बेडरूम में तो नहीं रखती हूँ लेकिन उसे अच्छा लगता है तो इसके लिए फिर मैंने सोचा चलो ले लेती हूँ। तो ये दो कलर के मैंने कुशन लिए, पहले मैंने इसकी जगह येलो लिया था, फिर मुझे लगा नहीं येलो नहीं ठीक रहेगा, यही वाला बेस्ट है, तो पिंक और ये, देखते हैं इसको कैसे डेकोरेट करूंगी, वो तो आप आगे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद मैंने लिए हैं कर्टेन, और इस बार मैंने ये वाला कलर का, मतलब इसी का मैचिंग का हो गया, ऐसे दो लिए हैं ये वाले कर्टेन, ठीक है ऐसे देख लीजिए आप, इसमें और भी अलग अलग कलर थे, ऑरेंज कलर इतना सुंदर लग रहा था ना, उन्होंने ऐसे डिस्प्ले में लगाया हुआ था और उसके साथ मिक्स करके दूसरे वाले कर्टेन इतना सुंदर, लेकिन मेरी थीम तो अलग ही थी ना इसलिए ये वाला देखो। ग्रीन कलर मैंने इसलिए लिया क्योंकि ग्रीन कलर ना काफी सूदिंग सा होता है तो आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छा फील होता है, इसलिए मैंने सोचा है कि जो थीम है ये टर्कोइज वगैरह जो ग्रीन कलर की है ना ये वाली मैंने सोच के मैं चली हूँ, और अच्छा भी लगेगा, ये व्हाइट है जैसे हमारी वॉल्स तो उस पर ये सही जाएगा। तो इसी के साथ जो मैचिंग के मैंने कर्टेन लिए ना वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, वो है ये टिश्यू वाले कर्टेन, ये इस तरीके से, ये सिंगल नहीं होते मतलब ये दो डबल करके लगते हैं आगे और पीछे,
तो जब ये लगेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएंगे। और ये इससे पूरे में ना छोटा छोटा प्रिंट है, और बड़े प्रिंट वाले भी थे जिसमें बड़े बड़े फ्लावर्स थे, लेकिन मुझे ना ये छोटा प्रिंट जो था ना ये ज़्यादा अच्छा लगा था। मैंने कहा पास पास है, ज़्यादा वाइट नहीं दिखेगा, इसलिए मुझे ये अच्छा लगा। और बड़े वाले भी थे, बड़े बड़े फ्लावर्स वाले, वो ना मुझे इसके साथ नहीं अच्छे लग रहे थे। ऑरेंज वाला जो उन्होंने डिस्प्ले में डाला हुआ था ना उस पर बड़े फ्लावर्स बहुत सुंदर लग रहे थे मुझे, फिर ये इस पर ना छोटे फ्लावर्स ही ज़्यादा अच्छे लगे। तो ये टिशू के हैं, और इसके साथ फिर ये वाला कर्टेन जो है ना वाइट वाला ये आया है, जो हमें इसकी बैक साइड में लगाना है, तभी मतलब इसकी जो सुंदरता है ना वो उभर के आएगी। तो ये मैंने ऐसे दो ये लिए हैं टिशू वाले, और दो मैंने ग्रीन वाले लिए हैं। तो ये हो गया मेरा सामान, ठीक है। और इसके बाद क्योंकि कुशन लिए हैं तो कुशन के जो फिलर्स हैं वो भी लिए हैं, दो वहीं से ही मैंने ये फिलर्स ले लिए थे, अच्छे हैं सॉफ्ट से, तो ये ठीक है इसके रूम के लिए। और क्या लिया मैंने, और मैंने लिया है ये मैट्रेस कवर, क्योंकि भाई मैट्रेस जब डाला है ना तो उस पर सामान वगैरह कचरा वगैरह बहुत गिरता है, और तभी से तो कुछ ना कुछ गिरा ही देती है, काम वाम कर रही होती है तो उसके हाथ से कुछ ना कुछ छूट के गिरता ही रहता है। तो ये वाले ठीक है, वाटरप्रूफ है, अगर पानी वगैरह भी कुछ गिर जाए, चाय वाय भी गिर जाए कभी गलती से, तो फिर उससे अच्छा है कि ये वाले कवर लगा के रखो। तो ये वाले लिए, इसमें भी अलग अलग कलर थे, डार्क ब्राउन वगैरह भी था, मैंने कहा नहीं थोड़ा लाइट सा ही जाना चाहिए, व्हाइट था, मैंने कहा व्हाइट नहीं और डार्क भी नहीं होना चाहिए, ये वाला कलर फिर मुझे बेस्ट लिया बेस्ट लगा। तो ये दो हैं क्योंकि उसके मैट्रेस दो है ना, तो उस पे ये आ जाएगा। ब्रांड क्या है इसकी, कियारा फर्निशिंग कर गया है, एक ये मैंने लिया है, और ऑनलाइन भी बहुत सारा अभी सामान आ रहा है, वो फिर जब आ जाएगा ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी। फिर इसी के मैचिंग की ही मैंने ये बेडशीट ली है, ये वाली, तो जब ये बेड पे स्प्रेड होगी तब आपको समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसे इसमें कलर है, ये इसका पिलो है, और ये है, ये केवल पूरे में ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे करके आएगी ये, और कॉटन की ये है, और अच्छी खासा किंग साइज है इसका ऐसे, तो मेरी थीम के हिसाब से अच्छी है। मैं सोच रही थी कि मैं जो मैट होता है बेड के सामने जो रख डालते हैं ना वो भी ले लेती हूँ, लेकिन वो बहुत कॉस्टली था, मुझे पसंद आ गया था पर मुझे वो बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा था, मैंने कहा नहीं फिर मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ। तो कुछ चीज़ें मुझे ऑनलाइन भी सही प्राइस पर मिल गई, मैं कंपेयर करके गई थी, मैंने सोचा था कि पहले मैं ना यहाँ से भी मैं देखूंगी, और फिर ऑनलाइन तो मैं देख कर गई थी, अगर मुझे नहीं ठीक लगेगा तो फिर मैं उस वाली शॉप से ले लूँगी। तो वो जो रग था वो मुझे बहुत कॉस्टली लग रहा था, फिर मैंने कहा नहीं मैं क्या करती हूँ ऑनलाइन मंगा लेती हूँ। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर डाली हैं, वो बस ऑन द वे हैं, मेरे ख्याल से मंडे तक लास्ट है, मंडे तक आ जाएंगी, उसके बाद ही रूम का मेकओवर होगा, और भी बहुत सारा सामान लेकर आना है, तो वो मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको बताती रहूँगी। तो यही था छोटा सा वीडियो, मेरी छोटी सी शॉपिंग, कैसी लगी आपको मेरी थीम ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और कितना वेट है मेरे आगे इस मेकओवर के वीडियो का ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस फिर मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।